आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना है? उनके जीवन काल में ही लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते थे। वे लोगों से बात कर रहे होते और वे कहते, जरा ठहरो। वे अंदर जाते और अपनी पत्नी से पूछते, आज खाने में क्या है? उनकी पत्नी शारदा को इससे बहुत शर्मिंदगी होती थी। उन्होंने कहा, रोने का कोई मतलब नहीं है, समय आ गया है। क्योंकि वे बुरे डिजाइनर के ग्राहक नहीं बनना चाहते। अब मैं चाहता हूं कि इस समय मैं जो भी कह रहा हूं, आप उसे सही संदर्भ में समझें, क्योंकि इसे आसानी से गलत समझा जा सकता है। आत्मज्ञान क्या है? साठ के दशक में एक समय था, कैलिफोर्निया में ऐड चलते थे जो बताते थे कि अगर आप भारत जाते हैं तो इसमें 12 साल लगेंगे, $25। यहां आप एक घंटे में आत्मज्ञानी हो सकते हैं। ऐसे ऐड चलते थे जहां आपको बस हेडफोन पहनने होते थे, फैंसी दिखने वाले चश्मे पहनने होते थे और वे आपको कुछ खिलाएंगे भी। इन सब से आपको एक मनोविकारी अनुभव होता था। तो लोग विज्ञापन देते थे। तो आत्मज्ञान है क्या? हम बार बार ये कह रहे हैं, असतोमा सद्गमय, असतोमा सद्गमय। इसका मतलब ये है कि हम खुद को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं असत्य से सत्य की ओर जाना चाहता हूं। इसे समझने के बहुत सारे तरीके हैं। इसे बहुत ही सरल तरीके से रखें तो आपके बारे में बुनियादी झूठ ये है कि इस समय आप जो नहीं हैं उसे आप मैं के रूप में अनुभव कर रहे हैं। ये धरती का एक टुकड़ा है, हमने बार बार ये कहा है, पर इस समय आप इसे मैं के रूप में अनुभव कर रहे हैं। ये एक झूठ है ना? अगर मैं सोफे को मैं समझूं तो निश्चित रूप से मुझे डॉक्टर की जरूरत होगी, है ना? हाँ या ना? तो अगर आपको लगता है मैं ये लोटा हूं तो आपको जरूर कोई परेशानी है ना? इलाज की जरूरत है या नहीं? Yes. अगर मुझे लगता है कि मैं एक पात्र हूं तो मुझे इलाज की जरूरत है, पर मेरा शरीर, इसे भी इस धरती से निकाला गया है, ये भी इसी धरती से निकाला गया था, हाँ, ये भी धरती का एक टुकड़ा है और ये भी धरती का ही टुकड़ा है ना? अगर मैं सोच सकता हूं कि ये मैं हूं तो मैं ये क्यों नहीं सोच सकता कि ये मैं हूं? ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग कुछ अलग है। अच्छा है ना? ऐसा दिमाग मदद करेगा, पर निश्चित रूप से ये पागलपन है ना? मेरा ये होना पक्का पागलपन है। कृपया इसे देखिए, मेरा ये होना क्या ये पागलपन नहीं है? आपकी सुविधा केवल यही है कि हर कोई ऐसा है। हां, पागलखाने में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, सिर्फ इसलिए कि हर कोई आपकी तरह है, इससे ये चीज सही नहीं हो जाती। मैं जानता हूं कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, बहुमत राज करता है, जो भी बहुमत कहता है वो सच बन जाता है, पर अस्तित्व में ऐसे काम नहीं चलता। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, बस यही। अगर आप इसके साथ तालमेल में हैं तो जीवन एक तरीके से काम करता है, अगर आप तालमेल में नहीं हैं तो जीवन दूसरे तरीके से काम करता है। ये एक सरल सी बात है। तो अगर आप जानते हैं कि मैं ये नहीं हूं, बुद्धि से नहीं, अनुभव से अगर एक स्पष्ट दूरी आ गई है तो इसे एक ओर रखकर चले जाना सहज होगा, है ना?
इसे आप बुरे नामों से बुलाते हैं, जैसे मृत्यु। नहीं, मुझे लगता था कि मैं ये लोटा हूं और मैंने इसे लगातार ढोया। एक दिन मुझे अनुभव हुआ, हे भगवान, ये मैं नहीं हूं। अब मेरे लिए उसे नीचे रखकर बैठना सहज होगा, है ना? क्या ऐसा नहीं है? तो उन्होंने बस यही किया। आप इसे बढ़ा चढ़ा रहे हैं। आत्मज्ञानी अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। जब उन्हें बोध होता है कि वो ये नहीं है, तो वो इसे एक और रख देते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा और काम होता तो वो इसे उठा सकते थे। उन्हें कोई काम नहीं था, वो इसे रखकर चले गए। ये जीने का समझदार तरीका है या नहीं? अगर आपको इस लोटे से काम है तो आप इसे हर कहीं ढोएंगे। कोई काम नहीं है तो आप इसे यहीं छोड़ देंगे। इसलिए जब आत्मज्ञान होता है तो 90% ऐसा होता है कि आत्मज्ञान और शरीर छोड़ना एक ही समय पर होता है। जब तक आप शरीर की यंत्र प्रक्रिया को नहीं समझते, आप शरीर को बनाए नहीं रख सकते। जो लोग भक्ति के मार्ग पर होते हैं, आमतौर पर आप देखेंगे कि उनमें से ज्यादातर जल्दी मर जाएंगे। ये मृत्यु नहीं है। जिस पल उन्हें ज्ञान हुआ, वे शरीर को एक ओर रखकर चले गए। आप पूरा इतिहास देखिए, कितने ही योगियों और आत्मज्ञानियों ने 28 से 36 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। वे उसी उम्र में चले जाते हैं। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? India is replete with such people. भारत में ऐसे लोगों की भरमार रही है। उनके जाने का यही समय है। आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना है? आपने विवेकानंद के बारे में सुना है? वे पहले योगी थे जो 1893 में यूनाइटेड स्टेट्स आए थे। वे पहले योगी थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। वे एक भक्त थे। उनकी एक देवी माँ है और वे समर्पित हैं। और वे एकदम अलग ही तरह के हैं। उनके जीवन काल में ही लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया, उनकी पूजा की गई, क्योंकि उनकी उपस्थिति बहुत ही अद्भुत थी। पर वे खाने को लेकर पागल थे। वे लोगों से बात कर रहे होते और वे कहते, जरा ठहरो। वे अंदर जाते और अपनी पत्नी से पूछते, आज खाने में क्या है? उनकी पत्नी शारदा को इससे बहुत शर्मिंदगी होती। वे कहती, आपकी दिक्कत क्या है? यहां तक कि मैं भी खाने को लेकर परेशान नहीं हूं, फिर आपको क्या समस्या है? हम आपको भगवान मानते हैं, खाने को लेकर ये कैसा पागलपन है? उन्होंने कहा, ये ठीक है, पर खाने में क्या है? एक दिन उनकी पत्नी को बहुत शर्मिंदगी हुई और वे बोली, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, आप खाने को लेकर इतने पागल क्यों हैं? वे बोले, आपको पता है, देश के उस हिस्से में भोजन हमेशा नहीं, भारत में हम ऐसी प्लेट में नहीं खाते, हम ऐसी प्लेट में खाते हैं। इसे थाली कहा जाता है। खाने से परोसी हुई प्लेट को थाली कहा जाता है। वे बोले, जिस दिन तुम मेरे लिए थाली लाओ, तुम मेरे लिए भोजन लाओ, और अगर मैं खाने में कोई रुचि ना दिखाऊं, तो समझ जाना कि बस 3 दिन बचे हैं। उन्होंने ये कहा और उसके बाद 7 साल बीत गए। 7 साल बाद एक दिन उनकी हमेशा से ही एक झूले पर बैठकर खाने की आदत रही थी, इसलिए वे इस झूले पर ही बैठकर खाते थे। वे थाली लाए और उन्होंने मुंह फेर लिया। वे रोने लगी। अचानक उन्हें एहसास हुआ, केवल 3 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा, रोने का कोई मतलब नहीं है, समय आ गया है। 3 दिन बाद वे चले गए। तो वे सचेतन रूप से भोजन की इच्छा पैदा कर रहे थे, शरीर में बने रहने के लिए। अगर वे भोजन की इच्छा नहीं करते तो वे चले जाते। तो वे हर रोज खुद को बताते, खाना 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 खाना। ये उनका स्वभाव नहीं है, पर वे शरीर को चलाते रहने के लिए हर समय ये इच्छा पैदा कर रहे थे। अगर सत्संग में बैठे बैठे उनका अनुभव बड़ा रूप ले लेता तो वे अचानक उठते और पूछते, आज खाना क्या बनाया है? मैं ये और वो खाना चाहता हूँ, बस खाने के बारे में सोचना। Just thinking about food, desire, creating a conscious desire for food, just to stay glued.
शरीर में टिके रहने के लिए एक सचेतन इच्छा पैदा करना। या तो आपको ऐसी कोई इच्छा पैदा करनी होगी या दूसरी तरह की तरकीबें हैं, या आप में शरीर की यांत्रिकी की समझ होनी चाहिए। शरीर की यंत्र प्रक्रिया समझने के लिए एक तरह की भागीदारी चाहिए। ये यूं ही नहीं आती। आत्मज्ञान एक पल में हो सकता है, पर समझ एक पल में नहीं आती, जन्मों तक काम करना पड़ता है।